मेरी माँ के लिए। ये भोली भाली पब्लिक हमें मिनिस्टर बना देती है। वैसे हम पढ़े लिखे नहीं होते। आप लोग तो आईएएस एग्जाम पास करके देश की पॉलिसी बनाने वाले ऑफिसर्स बने हैं। आपके बिना ये देश नहीं चल सकता। सर, भले ही हम आईएएस ऑफिसर हैं, पर आपके सहयोग के बगैर कुछ नहीं कर सकते। करप्शन को कंट्रोल करने के बावजूद अरबों का कोयला घोटाला हो गया। मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। सर, अच्छी तरह छानबीन कीजिए ताकि एक भी गद्दार बच के निकल न पाए। कैसे हो शर्मा जी? मुझसे क्या काम है शर्मा जी? आप ही से तो काम है। तुम जैसे गुंडे इस देश की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। तुमने अरबों के कोयले घोटाले की आड़ में करोड़ों के डायमंड्स की स्मगलिंग की। शर्मा जी, डायमंड की स्मगलिंग ना करें तो औरतें खूबसूरत कैसे लगेंगी। हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि औरतें डायमंड्स की दीवानी होती हैं। आपकी पत्नी भी डायमंड्स पसंद करती होंगी। एक साइड भेज दूं। रिश्वत। मेरे आदमी को जरा फोन दीजिए। राम नाम सत्य है। आज शहर में कोई दूसरी न्यूज नहीं है क्या? सर, आपकी मिनिस्ट्री में जो घोटाला हुआ है उसके बारे में क्या कहना है? राहुल शर्मा के मर्डर के पीछे किस किस का हाथ है? मैं मानता हूँ कि घोटाला हुआ है, लेकिन मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। राहुल शर्मा केस की इंक्वायरी चल रही है। ये सही नहीं। घोटाला तो 1 लाख करोड़ का है ना? दीपक आइए, यहाँ आइए। 1 लाख करोड़? पता भी है इसमें कितने जीरो लगते हैं? चैनल ने हाथ में माइक थमा दिया तो कुछ भी बोलोगे। मीडिया की जिम्मेदारी आप लोग कब समझोगे? सर, 1 मिनट शांत हो जाइए। देखिए, आज मेरी बेटी विदेश जा रही है, इसलिए अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं जरा उससे मिल लूं। पार्टी के हाई कमान का इसके बारे में क्या कहना है? आईएएस ऑफिसर राहुल शर्मा का अभी अभी मर्डर हुआ है। क्या वजह है कि मिनिस्टर इसकी छानबीन की बजाय अपनी बेटी को विदेश भेजने में ज्यादा इंटरेस्ट है? दीपक, मैं पलटाने की शुरू हो गए। अब ये मत कहना कि 1 लाख करोड़ भी पैक करके वो साथ में ले जा रही है। अरे पढ़ने जा रही है वो। क्या दीपक, ये तो हद होगी भाई। चलिए। अरे ये क्या इतना सामान? ये सब क्या हो रहा है बेटा? जरा देखिए तो, आपकी बेटी अपने साथ कितने बैग्स भर के कपड़े ले जा रही है। अब इतने सारे बैग्स ले जाओगी तो वो मीडिया वाले बोलेंगे ही। अरे इतना सामान क्यों बेटा? डैडी प्लीज नो रोक टोक। हाँ, मैं सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हूँ। कर लो बात। वो भी एक लौती बेटी डैडी। और मेरे बैग्स में टेडी बेयर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजी में पीजी करने जा रही हो, फिर इतना बचपना क्यों? इतने सारे टेडी बेयर्स का क्या करोगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं अभी बड़ी कहाँ हुई, बच्ची ही तो हूँ। अरे हाँ, भूल गया। बच्चे होने का एक अलग ही मजा है। छोटी छोटी बातों से खुश होना। हर इंसान को अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखना चाहिए, यू नो। मुझे पपी दो। बेस्ट ऑफ लक बेटा। लव यू डैड। This is your room. I hope you like it. I'll just remove these covers. Make yourself comfortable, my dear. And listen, there is a balcony on your right. You can use it whenever you want to, so. Maybe now. No. Might be it belongs to the previous tenant. Just leave it over there. Don't worry. Hi, माँ. आराम से पहुँच गई हूँ. घर में आ चुकी हूँ. सब कुछ बहुत खूबसूरत है. लेकिन माँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है. पहले जो लोग यहाँ रहते थे ना, उनका एक कार्टन बॉक्स छूट गया है. वो छोड़ गए या भूल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. इसके अंदर क्या हो सकता है? अगर उनकी ज़रूरत की चीज़ हुई तो मुझे खोलकर देखना चाहिए ना. जब तक मैं इस बॉक्स को खोल नहीं लेती मुझे नींद नहीं आएगी. ये लड़के का है या लड़की का? लड़की का है. काफी अच्छा कलर है. सुंदर है, लेकिन ये है कौन? नाम है कोमल. वैसे इसका नाम इसकी शक्ल से मैच करता है. कोमल गोमल. अरे इस लाल रंग की डायरी में क्या हो सकता है? ये खुलती कैसे है? ये डायरी कोमल की है. पर्सनल है, तब तो इसे जरूर पढ़ना चाहिए. मैं पढ़ने जा रही हूँ, माफ कर देना. काफी पर्सनल चीजें होंगी. हाँ हाँ. बाबा आखिर मेरी म्यूजिक की पढ़ाई की खातिर मुझे यूरोप भेजने को मान गए. यूरोप मुझे बहुत पसंद है, खासकर 4th एवेन्यू का अपना रूम 594 और यहाँ की हर एक चीज. बालकनी से बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है. सच्ची? तो फिर मैं भी देखती हूँ. वाह! ओह माय गॉड! ऑसम! इंटरेस्टिंग. मुझे और पढ़ना चाहिए. मैंने आते ही मम्मी को फोन किया. बेटा, तुम अच्छे से पहुँच गई ना? हाँ मम्मी. बेटा देखो, बाजार से सब्जियां खरीदकर अपना खाना घर पर ही बनाना. वहाँ तो सब नॉनवेज ही मिलता होगा. वो पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक. हाँ बेटा, वायलिन तो ठीक है ना? हाँ, तूने उसे लगेज में डाल दिया था, अपने साथ नहीं रखा. वही बात. उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं पापा, फ्लाइट में भी मैंने इसे अपने पास ही रखा था. शाबाश बेटा, वो खानदानी वायलिन है. मेरे दादा ने बजाया, मेरे पिता ने बजाया और मैंने भी. अब तुम उसे बजाकर नाम कमाओगी. इंग्लैंड की महारानी का दिया हुआ तोहफा है ये. पूजा के लिए भगवान इंतजार कर रहे हैं. अच्छा चल, मैं पूजा खत्म करता हूँ. श्री राम जय. फिर बोलने लगे पुराने रिकॉर्ड की तरह. पर तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना. बेटा, इस वायलिन से मैं तंग आ गई हूँ. तुम नहीं जानती, मेरी सुहाग रात से लेकर तुम्हारी डिलीवरी होने तक रात दिन वायलिन ही बजाते रहे. मेरी बात मानो बेटा, तुम एक नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखो. तुम कुछ नहीं भी सीखोगे तो भी चलेगा. हाँ. आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है. पापा का वायलिन हाथ में लिए मैं दिल में हजारों अरमान लेकर कॉलेज आई. लेकिन वहाँ मेरी मुलाकात एक बहुत ही दिलचस्प लड़के से हुई. टेक केयर। ग्रासियस। उसने मेरा खानदानी वालन तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? पापा को ये बात मैं कैसे बताऊंगी? नहीं। इन लड़कों को दिमाग ही नहीं होता। अचानक कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी उम्मीद ही नहीं होती। लड़कियों के इमोशंस को जरा भी नहीं समझते हैं ये लोग। इन्हें तो अपनी जिंदगी से आउट ही रखना चाहिए। इरिटेट करके रख देते हैं। ओह, नाम भी लिखा है संजू। ये बुरे ढंग से अच्छे काम करता है तो ये अच्छा लड़का हुआ या बुरा? तुम उस अपार्टमेंट में आई नई लड़की हो ना? हाँ तो। नाम क्या है? आकांक्षा। संजू। जानती हूँ। इसने मुझे उस अपार्टमेंट में आते हुए कब देख लिया? यानी ये हर उस इंसान पर नजर रखता है जो उस अपार्टमेंट में आता है। इसकी हरकतें देख के तो मुझे यकीन है कि इसने उस लड़की के साथ कुछ बुराई किया होगा। ओवर स्मार्ट लग रहा है। डायरी को आगे पढ़ती हूँ तब पता चलेगा। Excuse me? Yes. Oh, new admission. Miss Komal Sharma from India. I want to meet Mr. Brahma. Which Brahma? Violin Brahma. Violin Brahma? Oof. Go inside. He's playing. Daughter of Raj Vallabh Sharma, daughter of Kishore Vallabh Sharma, Surashri Komal Sharma. मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। एक मिनट ऐसे ही जरा होल्ड पर रहना। Look, all you Western people should learn this. 10 साल से मुझे बस इसी बात का तो इंतजार था। और गुरु के पैरों को छूना ये लोग अपना अपमान समझते हैं। और ये पागल लड़की, इसने तो मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। Learn this. Music start from the feet of the teacher. Guru, you know, you should know this. यो बेटी, आज मेरी वजह से वायलिन कोर्स को शास्त्रीय संगीत में जगह मिल चुकी है। तुम्हारा वो खानदानी वायलिन देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। मुझे उसका दीदार कराओ। मैं उसे छूना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ। गुरुजी, वो वायलिन अब नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ उसको? टूट गया। गिर गया था? नहीं, वो किसी ने तोड़ दिया। तोड़ दिया? किसने? गलत राग की तरह इस बात का भी पता तुम्हारे पिता को चल जाएगा। ये सुनने के बाद उनका मन भी टूट जाएगा। सही कहा गुरुजी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वायलिन संजू ने तोड़ा है ना? संजू कौन? वही संजू जिसके कांटे जैसे बाल, थोड़ा जमीन के ऊपर थोड़ा जमीन के नीचे, जो सब कुछ मिट्टी में मिला देता है, जो दिखता लंबा चौड़ा है लेकिन दिमाग खाली है। वही है ना? हाँ गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे पता था। वो और उसकी अजीब गैंग। अगर मुझे ऊपर वाले का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि उस बेसुरे को धरती पर क्यों भेजा। वो संगीत के नाम पे ना एक कलंक है। उसका वो जो बैंड है ना, वो म्यूजिक का बैंड बाजा बारात निकाल देता है। मुझे पता है वो कहाँ होगा। जाके उसका वायलिन बजा के आओ। तुम्हें अब भी जाना है और जाके उसके तार को खींच के ट्यून करके आना है। जाओ। ग्रासियस, थैंक यू, थैंक यू। आप इंडिया से आई हैं? ओह, लगता है ये गूंगी हैं, क्या बताऊं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल सकती हूँ। ओह, बोल सकती हो? गूंगी नहीं हो तो माइंग क्यों कर रही थी? कल झगड़े में आपने जो वायलिन तोड़ा था, उस गुंडे के सर पर मार के, वो मेरे पूर्वजों का था। मैंने कौन सा वायलिन मारा था? कल उस गोरे बदमाश से झगड़ते वक्त तुमने उसके सर पर जोर से मारा था ना, तब तुमने एक लकड़ी की टूटने की आवाज सुनी थी ना? हाँ। वो चीज मेरी थी, और वो कोई लकड़ी नहीं, मेरा खानदानी वायलिन था। ओह, आई एम सो सॉरी, वो मुझसे तुम्हारा वायलिन टूट गया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नया वायलिन दे सकता हूँ। थैंक्स। यू आर वेलकम। वैसे जितना सुना था आप उतने बुरे नहीं हैं। और आप लोगों की भी जितनी बुराई सुनी वैसे हमारे बारे में बुरा भला किसने कहा? मेरे गुरुजी ने। ये महापुरुष कौन है? मेरे प्रोफेसर वायलिन ब्रह्मा जी। वायलिन ब्रह्मा ने तुमसे ये कहा? हाँ। अब समझा। और तुम्हारा क्या नाम है? कोमल। कोमल, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? म्यूजिक सीखने के लिए। वो वायलिन की टूटी तार तुम्हें सिखाएगा, वो बेसुरा। देखो, मेरे गुरुजी के बारे में ऐसी बातें मत करो। चलो मेरा वायलिन दो। मैं जरूर देता, मगर अब उस खड़ूस का नाम सुनने के बाद नो चांस। मैं तुम्हारी शिकायत अपने गुरुजी से करूंगी। अच्छा, मैं अपने गुरुजी से शिकायत करूंगी। तुम मेरी दुश्मन हो। ये तुम क्या कह रहे हो? एक बात कहूँ, यूनिवर्सिटी की टेरेस पर चढ़ जाओ और वहाँ से चिल्लाओ, वायलिन ब्रह्मा एक नंबर का फ्रॉड है, उसे म्यूजिक गायब भी नहीं आता। ऐसा करोगी ना, 5 वायलिन ला कर दूंगा। और अगर मैं धीरे से कहूँगी तो एक वायलिन तो दोगे ना? लेकिन उसके कान में कहना पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है? है ना, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। मैं 3 गिनने वाला हूँ, तब तक नहीं गई तो काम से गई। 1, 2, 3। तेरे सर पे ये गिटार फोड़ूं। वायलिन ब्रह्मा की चेली। मैं यहाँ गिटार बजाता हूँ। लेकिन तुम्हारा बैंड कहाँ है? कौन सा बैंड? तुम्हारी गैंग यार। मेरी एक गैंग है, ये तुम कैसे जानती हो? साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ मैं। 2 मिनट किसी को भी स्कैन करने के बाद उनका बायोडेटा मेरे दिमाग में छप जाता है। ओह, तुम तो वाकई डेंजर हो यार। सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट ऐसे होते हैं? सब में ये टैलेंट नहीं होता। वो क्या है ना, मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। अच्छा, मेरे बारे में क्या जानती हो? बताओ। मैं वो बता सकती हूँ जो तुम्हें भी नहीं पता होगा। लेकिन मैं क्यों बताऊँ? मैं भी कितनी पागल हूँ, इतनी जल्दबाजी करती। मुझे डायरी पूरी पढ़ लेनी चाहिए थी। वो आकांक्षा तो कब बड़ी होगी। अब चुपचाप बैठ के डायरी पढ़। ना दानो, असुर लोगों, संगीत के लुटेरे, मेरे स्टूडेंट को देख के थर थर कांपने की जगह तुमने उसकी बेइज्जती की, गलत शब्दों का उपयोग किया। ब्रह्मा, पंडित ब्रह्मा के स्टूडेंट का तुमने अपमान किया। ए फटे हुए ढोल, यहाँ ऊंची आवाज में बात नहीं करने का। जानते हो किससे बात कर रहे हो? साक्षात पंडित ब्रह्मा तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरे आगे ये गिटार, ड्रम्स, ये कीबोर्ड, पानी का फटे दूध की चाय है। ये सब चीजें कानों की दुश्मन है। हमें बताने वाला तू कौन है बे? तुम मेरी बात कर रहे हो? 7 समुंदर पार करके अंग्रेजों के बीच में मैंने शास्त्रीय संगीत की ज्योत को जलाया। रास्ते में कितने तूफान आए, कितनी आंधियां चली, लेकिन मैंने ज्योत को बुझने नहीं दिया। और तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अरे बाप रे, बुझा दिया। ये पापी ज्योत को बुझा के रहेगा। यह शास्त्रीय संगीत का अपमान है, घोर अपमान। माँ सरस्वती तुम्हारा गाना सुन के इटली से जा रही थी। मैंने अपना वायलिन बजा के उनको यहाँ रुकने पे मजबूर किया। मेरी मत मारी गई थी कि मैं तुम्हारे पास आया। आदमी है फटा स्पीकर, कितनी ओवर एक्टिंग करता है। मुझे तो डाउट है तुझे म्यूजिक आता भी है या नहीं। क्या मुझे म्यूजिक नहीं आता? मैं संगीत सम्राट हूँ। आई एम म्यूजिक, म्यूजिक आई एम। अच्छा ठीक है, आज हम दोनों में मुकाबला हो ही जाए। हाँ, हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी। तुम्हारा वायलिन और मेरा गिटार, किसमें ज्यादा दम है? तुम भी बांध लो। रेडी? एकदम तैयार। श्री 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 रंग रंग रंगा चारुलवारी सिंगल नाद संकीर्तन आदि तालम पूर्ण कुंभरागम सेबस sa ni sa ni sa ga ni sa ni sa 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 ni sa ni sa ni sa ni sa ga ma pa sa ni sa ni sa ni sa ni sa ga ni sa ni sa 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 ni sa ni sa ni sa ni sa ga ma pa Hey do you want some music do you want some music takita 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 tikita tikita takita 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 din din ta makita makita nakarikita rikita takita takita tanatom tonta takina takina taka takina takina tika tonta takita tinta takita dam dam tinta takita tonta takita bham bham takita 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 san 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 saga 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 ma ga ma ga ma ga ma ga ma pa 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 ma pa ni pa ni pa ni san 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 saga 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 महाप्रभु हमसे गलती हो गई, आप जीते हम हारे, माफ कर दीजिए। तुझे माफ कर दूं? मैं हिमालय का झरना और तू गलियों में बहता हुआ नाला। तू मुझे फटा हुआ ढोल बोल रहा था ना, अब बोलती क्यों बंद होगी? बोल ना। कहा मैं संगीत सम्राट और तू खटमल वाली खाट। चल निकल। भूल हो गई गुरुजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कैसा सॉरी? सॉरी कोई एंटीसेप्टिक क्रीम है क्या? पहले जख्म दिया फिर उसमें मलहम लगा दिया। अगर सॉरी बोलना है तो उस लड़की को सॉरी बोलो, उस लड़की के हाथ में एक नया वायलिन दो फिर उसे सॉरी बोलो। चलो मैंने तुम्हें इतना परेशान किया इसलिए सॉरी, पर तुमने मुझे परेशान किया इसलिए थैंक्स। क्या मतलब? क्या तुम जन्म से इतनी क्यूट हो? क्यूटनेस में प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझसे यहाँ मिलने क्यों आ गई? इसकी तो ये लड़का कोई मामूली चीज नहीं है। ऐसी बातें सुन के तो कोई भी लड़की इंप्रेस हो जाएगी। ये उनमें से है जिसे उंगली दो तो हाथ ही पकड़ ले। तुम्हारी ये आंखें पहली बार देखी थी ना, तभी पागल हो गया था। ये तो हद ही हो गई, ये तो नहा धोकर कोमल के पीछे पड़ गया। संजू की बातें याद आ रही हैं, उससे मिलने का मन कर रहा है। दिल कर रहा है बस हर वक्त हर पल उसी के साथ रहूं। क्या गलत सुर लगा रही हो? शरीर तो यहाँ है लेकिन ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ध्यान तो मेरा सही जगह पर है, मेरा ध्यान गिटार पर ही लगा हुआ है। क्या कहा? मुझे गिटार सीखना है गुरुजी। गिटार सीखना है गुरुजी? बात करती है। पवित्र वायलिन को छोड़कर अपवित्र गिटार सीखना चाहती है। वायलिन के अलावा किसी और यंत्र के बारे में सोचना भी पाप है। तुम शर्मा खानदान की बेटी हो जिन्होंने वायलिन के लिए जीवन कुर्बान कर दिया। संजू पर से वेस्टर्न म्यूजिक का भूत उतारने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा ब्रह्मास्त्र जैसा। चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं हारेंगे। सुनो, अगर वो बाइक पे बैठने के लिए बोले तो मत बैठना, अगर बैठी ना तो इंडियन बैंक से हम यहाँ आपके मुल्क में करोड़ों अरबों रुपए जमा करेंगे। लगभग करोड़ों अमेरिकन डॉलर्स आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा। इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए इंडियन एम्बेसी और आपकी एम्बेसी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करेंगी। हमने अपने देश में सेटिंग कर ली है। आपका दाम बताइए। अल्गुनस मिलेनियोस टीपीएस इंडिया सिग्निफिकाकू अल्गुनस मिलेनियोस डॉलरोस अमेरिकानोस 7 सेफ ट्रांसफरंतु असुभांको परवारो नेसेसिटियानलो ऑर्टेरियानो सिंडे इंडिया सुसु एम्बेसी। नो नो इट्स अ बिग क्राइम, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। शंकर की जुबान से निकला हुआ लफ्ज पत्थर की लकीर होता है, समझ गए? 24 घंटे देता हूँ, फिक्स अ प्राइस एंड से यस। बैठो। मेरे गुरुजी ने मना किया है। ए, चुपचाप बैठ जा। गुरुजी को मत बताना। वैसे मुझे ले कहाँ जा रहे हो, बताओ ना। लाया भाई। क्या बोल रहा है? राजी नहीं हो रहा है। मैंने इंडिया से यहाँ पैसा लाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तेरी कंट्री का क्या बिगड़ेगा? मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंसे हुए हैं। तेरी बैंक में मैंने सिर्फ एक अकाउंट के लिए ही तो रिक्वेस्ट की है, क्या बिगड़ेगा तेरा? बोलो ना। चुपचाप बैठी रहो। पर तुम बता क्यों नहीं रहे हो? मैं कितनी देर से पूछ रही हूँ, तुम बताओ तो। उतरो। क्या कहा ना उतरो। मुझे इस तरह उतार क्यों दिया? कितने सवाल करती हो तुम। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पक गया मैं। मुझे पसंद नहीं। हटो। 5 मिनट में वापस आ गया तो ठीक है, वरना इसकी, इसे और इसकी बाइक को भस्म कर दूंगी। को लेके आओ, bring her to me, छोड़ना मत उसको। बैठो। हेलो। हेलो। हाय। तुम इस वक्त अकेले हो? हाँ हूँ। तो क्या कर रहे हो? लैच खोल रहा हूँ। कहाँ का लैच? तुम्हारी खिड़की का। हाय। ये क्या संजू, तुम चोरों की तरह मेरे घर में और अपनी शर्ट क्यों उतार रहे हो और मेरे करीब क्यों आ रहे हो? हाँ, तुम मेरे कास्ट के तो हो ना? हैं? तुम ब्राह्मण तो हो ना? बैपनीज। हाँ? बैपनीज क्या होता है? जापनीज तो सुना था। कन्वर्टेड ब्राह्मण्स को बैपनीज कहते हैं। ब्राह्मण्स में भी लोग कन्वर्ट होते हैं क्या? क्या बाकी धर्मों में हो सकता तो इसमें नहीं हो सकता? और तुम जात पात का इतना लफड़ा क्यों कर रही हो? ताकि आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। ताकि आगे चलकर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। कोमल, I love you. Please संजू, कुछ करना मत। हाँ? ए, मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? मैंने I love you कहा। अगर मैंने हाँ कहा तो तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो नहीं ना? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो तुम्हें बुरा लगेगा ना? तुम्हें तो मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं कोमल। संजू, एक किस दे दो ना। एक किस से तुम्हारा मन नहीं भरेगा। क्या कहा? एक किस से तुम्हारा मन नहीं भरेगा। ओह, तो मन भरने तक किस करूँ ना? नहीं, तुम उसके बाद कुछ और भी करना तो मैं भी चाहता हूँ। संजू। साइलेंस प्लीज। संजू। नो, वही कमरा, वही जगह, वही बिस्तर। उन बातों का असर अब मुझ पर भी होने लगा है। अगर मैं डायरी पढ़ती रही तो कहीं मैं भी कोमल ना बन जाऊं। कोमल पिघल सकती है पर मैं नहीं। मैं तो साइकोलॉजी स्टूडेंट हूं। बारे में सब कुछ जानती हूँ, कंप्लीटली। क्या जानती हो? यही कि तुम्हें मुझ जैसी खूबसूरत लड़कियों को बाइक पर लिफ्ट देने का बहुत शौक है। बाहर से जितने शरीफ दिखते हो, अंदर से उतने ही बदमाश हो। हाँ या ना? सही है। जानती थी। तुम्हें तो देखकर ही पता चलता है कि तुम रात को पाइप पर चढ़ के लड़कियों के कमरे में जाते होगे। ए, तुम्हें ये सब किसने बताया? बताएगा कौन? तुम्हारे चेहरे पर लिखा है। साइकोलॉजी कोई मजाक नहीं है, ये एक साइंस है। अब तो तुमसे डर लगने लगा है। ये सब किसी से मत कहना, प्लीज। कीप इट अ सीक्रेट। आई विल ड्रॉप यू। Give lift to Komal. Now he's dropping you. Lucky guy. Yeah, he is. Yes. संजू एक आर्मी की तरह है। Hey. क्या नाम है आपका? कोमल। कहाँ से हो तुम? इंडिया से। तुम जो भी देखती हो उसे शूट करती हो। इतनी सुंदर हो, किसी ने किडनैप कर लिया तो? उस वक्त लगा जैसे मेरी आर्मी है संजू। Who are you? कौन हो तुम सब? हाँ? और चाहते क्या हो? ये लोग तुम्हें किडनैप करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मुझे नहीं मालूम। वो तुम्हें किडनैप करने आए थे, तुम्हें गलती से नहीं उठा लिया। मुझे कैसे पता संजू? मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ? तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता। एक स्मार्ट लफंगा हैंडसम बदमाश, ये कहाँ सुना? उसी डायरी से जो मुझे मेरे रूम में मिली थी। मैंने इस डायरी को यही टाइटल दिया है। उन लोगों को कहीं देखा तुमने? लड़की तो अब तक नहीं दिखी मुझे, मगर वो लड़का मुझे हर रोज कहीं ना कहीं दिख जाता है। मुझसे मिलता है, बात करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि मैं उसकी पर्सनल बातें इस डायरी में पढ़ती हूँ। हाँ, तुम पूरी की पूरी डायरी एक साथ क्यों नहीं पढ़ लेती हो? नहीं मॉम, इंतजार में जो मजा है वो दीदारे यार में कहाँ। बदमाश कहीं की। आराम से बैठी हो ना? ये पकड़ो, होल्ड द गिटार। गिटार लड़कियों के लिए बनाया गया था। ये जो इसका कर्व है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, कम से हसीना की तरह। Where do I keep my fingers? पहले गिटार को प्यार से अपने पास लाओ, अपनी उंगलियां स्ट्रिंग्स पर रखो। ये पिक बेकार है, बस उंगलियों से फील करो, स्ट्रिंग्स को टच करो, जस्ट फील इट। संजू का मुझे गिटार सिखाना मैं कभी नहीं भूल सकती। वो एहसास, वो पल, उसमें कुछ अलग ही बात थी। कोमल, उसके ऊपर तुम और तुम पर गिटार, ये क्या कर रही हो? गुरुजी वो तुम उसकी गिटार पकड़ रही हो और वो तुम्हें अपनी पकड़ में ले रहा है। क्या ये गलत है गुरुजी? तुम मेरी ब्रह्मास्त्र थी, लेकिन आप तो अस्त्र वस्त्र सब बिखर गए। क्या करने यूरोप आई थी और यहाँ पे कर क्या रही हो? इस बेशरम के साथ अगर थोड़ी देर और रुकी तो शास्त्रीय संगीत तो खत्म हो गयी और मैं चला जाऊंगा कोमा में। तुम्हारी पैंट किसने फाड़ी? क्या चीखड़े कर दिए, इज्जत का भाजी पाला कर दिया। लूट गया मैं तेरे चक्कर में, मेरा मुंह काला हो गया। खम्बे जैसी खड़ी है। चल ओए गुरुजी, वॉल्यूम लाउड हो रहा है। वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है तुझे? हाँ। गिटार बजाने वाला मुझे वॉल्यूम सिखाएगा? वायलिन ब्रह्मा ब्रह्मा वायलिन। ए, तू होगा कोई ब्रह्मा वम्मा, मैं हूँ संजू, संजू चौहान। हर दो कौड़ी का गुंडा अपने आप को 30 मार खा ही समझता है। और भी दिखाता हूँ तुझे, यही रहना कहीं। हाँ, दिखाना। समझ गया? हेलो शर्मा जी, आपको मेरी बात सुन के शर्म आ जाएगी। ऐसा क्या हो गया? आपकी बेटी पद भ्रष्ट होके नष्ट हो गई है। आपकी सेहत का ख्याल करके मैं आज तक चुप रहा, लेकिन आज आपको बताना ही पड़ रहा है कि आपका खानदानी वायलिन टूट गया। वायलिन टूट गया? किसने तोड़ा? और किसने? आवारा संजू ने। कौन है ये संजू? उसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड वो गिटार बजाता है और हम लोग वायलिन। सदियों से वेस्टर्न म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक को डराने की कोशिश कर रहा है। शास्त्रीय संगीत डेंजर जोन में है। कोमल को भी संभालना मुश्किल हो गया है, उसे भी अपने पास बुला लो। जानती हो तुम्हारी बेटी ने क्या किया? खानदानी वायलिन तोड़ दिया, हमारी परंपरा को तोड़ दिया। अब मैं दादाजी को क्या जवाब दूंगा? ऊपर जाओगे तब जवाब देना, पहले बेटी के हालचाल तो पूछ लो। वायलिन के साथ हमारी बेटी की भी ट्यूनिंग बिगड़ गई है। उस बूढ़े ने शादी नहीं की, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बूढ़े का दिमाग सटिया गया है। उसकी बातों पर ध्यान क्यों दे रहे हो? भाभी जी मेरा हाल पूछ रही है ना। तुम्हारी भाभी को सिर्फ अपनी बेटी की ही चिंता है। की परवाह? भूल गए उसने क्या किया था। खुद तो वायलिन लेकर चोरों की तरह घर छोड़कर यूरोप भाग गया था, और अब बड़ा आया हमें हमारी बेटी के बारे में प्रवचन देने वाला। लाओ मैं उस बूढ़े की खबर लेती हूँ। भाई साहब तबीयत ठीक है ना? घबराओ मत, मैंने सब सुन लिया। एक मैं हूँ कि जी जान लगा कि आपकी बेटी को नंबर 1 वायलिन प्लेयर बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अब गिटार आ गया है। टिंग टिंग टिंग। मैं अब आपकी बेटी को फोन दे रहा हूँ, उसी से बात करो और मेरा पीछा छोड़ दो। लो बात करो। कौन है वो लड़का? संजू ना बहुत अच्छा लड़का है माँ। अगर इतना अच्छा है तो उसे हाथ से क्यों जाने देना? अच्छा बताओ वो करता क्या है? वो एक बहुत ही फेमस गिटार प्लेयर है माँ। मैं? वो एक फेमस गिटार प्लेयर है, असल में वो लुच्चा लफंगा है। गिटार तो छोड़ो, उसे ताली तक बजाना नहीं आता। तू बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, जल्दी से उसका पता भेज दे। तुम्हारे पापा उसके पापा से बात करेंगे। जाइए लड़के वालों से बात कीजिए। मैं क्यों जाऊँ बात करने? तो क्या पड़ोसी जाएंगे? नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। देखा आपने, पति जब पुराना हो जाता है तो पत्नी के हाथ का वायलिन। क्या हुआ? फिर वायलिन बजाना शुरू किया? आओ। नहीं संजू। अरे आओ ना। नहीं ना संजू प्लीज। डरती क्यों? आपने तो कहा था वो दिखाई देंगे, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, भी दिखाई देंगे। संजू अलग कास्ट की वजह से पापा कभी नहीं मानेंगे। हाय एवरीबॉडी। हाय कोमल, मैं संजू का पापा। ये है संजू की मम्मी सुमन। हाय बेटा। नमस्ते। देखिए तो सही, that handsome boy is my son, संजू। नमस्ते अंकल। क्या ये वही है जिसने हमारे वायलिन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे? आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। मेरे वायलिन का दुश्मन। मैंने और शर्मा जी ने सारी बातें कर ली हैं। हमें ये रिश्ता मंजूर है। वी हैव एक्सेप्टेड योर लव। मैं 40 साल से वायलिन बजा रहा हूँ, मास्टर हूँ, आपकी तो ऊपर तक पहचान है। सिफारिश लगाकर मुझे जरा पद्मश्री दिलवा दीजिए, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। अरे भाई साहब, पद्मश्री मिलना इतना आसान काम नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, समझो हो गया। ये हुई ना बात, चलो मिला लो हाथ। परसों सुबह 9 बजे मम्मी पापा और बाकी सब आ रहे हैं। शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। शॉपिंग की सारी टेंशन संजू संभाल रहा है। हे भगवान, सब कुछ बस इसी तरह चलता रहे। और तभी फोन की घंटी बजी। हाँ, आगे के सारे पेज खाली। आखिर उसके बाद क्या हुआ? उनकी शादी हुई या तो फिर हुआ क्या? संजू, कोमल कहाँ है? तुम कोमल के बारे में कैसे जानती हो? मैं उसी जगह रहती हूँ जहाँ पहले कोमल रहती थी। मुझे वहाँ उसकी डायरी मिली। मैं जब से आई हूँ तब से तुम दोनों की लव स्टोरी के बारे में पढ़ती आ रही हूँ, लेकिन वो कहानी अधूरी रह गई है। उसके बाद क्या हुआ? कोमल कहाँ है? कहीं तुम दोनों अलग? क्या कोमल को कुछ हो गया है? Hello? Is this Miss Komal? Yes. This is Dr. Stephen from Hilton Hospital. Mr. Sanju has met with an accident and he's in serious condition. Please come fast. Komal! Sanju! Sanju, wo phone pe! Hey, come on! Sanju! Hey! Sanju! तलाशी लो, देखो कैमरा कहाँ रखा हुआ है। मिल गया भाई। उसे पूछो कि वीडियो किस किस को भेजा है। किस किस को भेजा? ये वीडियो कैसे शूट हुआ? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? बोल किसे भेजा? वो साली नौटंकी करती है, उसको तो फटके मार के पूछ। किसको भेजा? कोमल। उनकी कहानी के बारे में जानकर वाकई बहुत दुख हो रहा है। संजू ने कोमल को खो दिया। मैं समझ सकती हूँ कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। मुझसे उसकी तन्हाई देखी नहीं जाती। मेरे उसके करीब जाने से उसकी खुशियाँ लौट सकती हैं। मुझे उसके करीब जाना ही होगा। सात सुर संगीत के आठवा मेरा हुनर, सुर लगाओ कैसे गाने लगे वानर। चरण प्रणाम। बता अपना नाम। मैं हूँ पगला स्वामी, पगलापुर से आया हूँ। गेटअप देखते तो अफ्रीका से आए हो लगते हो। दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। काम बोलो। मैं बाबला अनाड़ी, आप संगीत के महान खिलाड़ी। रेगिस्तान में बर्फ के गोले और बरसात हो सकती है, आपका संगीत कुछ ऐसा है। शिष्य, मेरा संगीत सुनकर तो एक बार कब्र में गड़ा हुआ मुर्दा भी डांस करता हुआ बाहर निकला था। ये किस्सा आपके फेसबुक पर देखा था, इसलिए फेस टू फेस अपना इलाज करवाने आया हूँ। कौन सा रोग है? अब पगलापुर में सारे मुझे पगला स्वामी कह के चिढ़ाते रहते हैं। पर्सनालिटी से तो लगते नहीं हो। नहीं गुरुजी, मैं पगला नहीं हूँ, पर थोड़ा सा सटका हूँ जो आप अपनी बंद नेत्रों से नहीं देख पा रहे। अच्छी स्टोरी है। मेरे अंदर की गुरु विद्या तुम्हें शिष्य बनाएगी, पर तुम पागल लगते नहीं हो। थैंक्स गुरु कंठेश्वर। एडवांस में मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। जल्दी क्या है, पहले विद्या तो प्राप्त कर लो। नहीं, अभी बड़ी जोशवर्धक गुरु दक्षिणा है। कंठी लाए हो? हाँ। चलो दिखाओ। हाँ कम ऑन, ये सर आपकी दक्षिणा। इसका कंठ भी बड़ा सुरीला है। ये गुरु दक्षिणा है। हाँ। इसके सातों सुर बड़े परफेक्ट है, लगा के देखिए खुश हो जाएंगे। इसका कंठ जल्दी थकता भी नहीं, ट्राई कीजिए। इसे सिखाऊंगा तो अपने सुर भूल जाऊंगा। पहले सारे गुरु ना कहते हैं, फिर रास लीला के कंठ बाहर निकलते हैं। रख लीजिए, डुएट में काम आएगी। इनका ख्याल रखना। बिकिनी शीशा के साथ सुर बड़े खुल के लगने वाले हैं। हर कोई 5 साल कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचता है। देश की भलाई के बारे में कोई एक बार भी नहीं सोचता। एक आईएएस ऑफिसर की हत्या हो जाती है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेता। अरे सेंट्रल मिनिस्टर हूँ मैं, जनता को जवाब देना पड़ता है। वो सीबीआई वालों ने भी कुछ नहीं किया। अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो मैं रिजाइन कर दूंगा। मॉम, मैंने आपको वो लव स्टोरी बताई थी ना, उस कोमल को किसी ने जान से मार दिया। ओहो, एक बात बताओ, उस लड़के की हालत तो ठीक है ना? वो बहुत गुमसुम रहता है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आकांक्षा ने जो लव स्टोरी के बारे में बताया था, उस लड़की को किसी ने मार दिया। आकांक्षा भी बहुत दुखी है। एक मिनट मुझे दो। बेटा, तुमने जो बताया वो कहानी है कि सच्चाई है? नहीं डैडी, जो बताया वो हकीकत है। देखो बेटा, अक्सर वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, इसी का नाम तो जिंदगी है। जिंदगी में हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता, हम तो बस एक कठपुतली है बेटा। और तुम तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो, ऐसी बातों से दुखी नहीं होते। शीला की गुरु कंठेश्वर। शिष्य प्यारे। गुरु जी, आप आज बड़े फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहे हैं। तुम जैसे शिष्य मिलते रहे तो हम गुरुओं की चांदी है। मूड टकाटक है तो मेरा इलाज भी फटाफट कर दीजिए। स्वागतम, आ जाओ। गुरु कंठेश्वर। बोलो चले। पागलपन और साइकोपन में क्या फर्क है? पागलपन शुरुआती लेवल है, जैसे तुम्हारा। साइको होना लास्ट स्टेज, खतरे की घंटी। उसे ठीक करने का सुर मेरे पास तो नहीं है। अरे तुम अश्रुधारा क्यों बहा रहे हो? यहाँ विदेश में सारे मुझे साइको बुलाते हैं। साइको? ये तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। आप आंखों तो नहीं बैठा? मुझे गलत मत समझना। कल तो तुमने कहा था कि तुम्हें सब पगला बुलाते हैं। जब साइको बड़ा औहदा है तो मुझे पगला क्यों कह रहा है ये बेसुरा? पहले फेंक दे हाथ का छुरा। पूरा कर लूं काम अधूरा। म्यूजिक से इलाज नहीं हुआ तो कुछ और सोचता हूँ। पहले मैं तेरी ट्रिमिंग करूंगा, फिर तड़पती मछली पे नमक मिर्च लगाऊंगा, और फिर खोलते तेल में तड़का लगाऊंगा। नहीं 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 नहीं, 7 सुरों की कसम, तुम पगले नहीं हो, साइको हो, पूरे हटेले। तो अब तेरी खोपड़ी में बात घुसी ना, तो चल फिर मेरा इलाज कर। सुन हटेले, साइको सुर की विद्या मैंने प्राप्त नहीं की, मेरी खोपड़ी बख्श दे। विद्या प्राप्त नहीं की ना? तो एकदम सच्चा बंदा लगता है। मैं वापस पगलापुर जाऊंगा। तुम बोलो तो टिकट निकाल के दूं? चलेगा, संगीत सिखाया नहीं, गुरु दक्षिणा तो वापस दे। कहाँ से दूं? वो तो रात को ही मेरे सुरों के तार तहस नहस करके चेले के साथ भाग गई। तेरे में कमी होने की वजह से वो किसी और के साथ भाग गई ना। गुरु घंटाल वो मेरी मंगेतर थी। ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने उसे कहा हारमोनियम सीखो, उसने कहा पियानो सिखाओ, बात नहीं जमी तो भाग गई। तूने मेरी आइटम घुमा दी। मैंने उसे यहाँ के नाइट बार से भगाया था, पुलिस पीछे पड़ी थी इसलिए यहाँ छुपाया, लेकिन तूने मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। अब इस साइको को कौन सी लड़की पटेगी? Give me one more chance. मैं तुम्हें ठीक करूँगा। Hey, what's your name, baby? Nice watch, nice bag. Do you want to go for a ride? No. Why not? Come, baby. No, come on. Leave me. Let me go. Hey, you. Stop that. उस वक्त लगा जैसे मेरी आर्मी है संजू। I will break your head. ठीक है यार, तोड़ दे। I love you. Wait यार, she's proposing. क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना फिर से बोलो। आई लव यू। हाँ? इसमें हैरान क्या होना। बट हाउ? अगर किसी को बॉयफ्रेंड के साथ एक बॉडीगार्ड भी मिल जाए तो और क्या चाहिए? What she saying? Maybe she's talking about some security problem. Come on, let's go. तुमने सिर्फ उन लोगों को भगाने के लिए आई लव यू कहा ना? हे चौहान, मुझे जब मौका मिला मैंने उसमें चौका लगा दिया। मैं तुम्हें पसंद जो करती हूँ। डायरी पढ़ पढ़ के तुमसे लगाव सा हो गया है। मुझ पे तरस खा रही हो? मेरे बारे में ऐसा क्या जानती हो जो तुमने आई लव यू कह दिया? हेलो, साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। साइकोलॉजी या तुक्का? तुम नहीं समझोगे। तुम जरा मेरे साथ साइड में आओ, कुछ बात करनी है। नहीं। जानते हो मैं कौन हूँ? सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हूँ। अगर तुम चुपचाप साइड में नहीं चले तो अंजाम क्या होगा देख लेना। संजू, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, छोड़ना मत। मेरी आंखों में झांक कर देखो। वही तो कर रही हूँ मैं। तुम्हें प्यार करने का ना मुझे कोई शौक है ना दिलचस्पी। तो फिर इतना नजदीक आके क्यों कह रहे हो? ज्यादा इफेक्टिव है। संजू के बच्चे, तुमने ना कहने की जुर्रत की? सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हूँ मैं। हा? तुमने वो कहावत सुनी है कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए? अभी वो टाइम नहीं है, तो फिर चलो चिल्ड बियर ही पिला दो, क्या बोलती हो? है उसके बाद तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मस्त है ना? Call for you, sir. Who's this? नरेश ठाकुर। हेलो। ये क्या शंकर, तुम्हारी काली कमाई को हमने सफेद किया, डायमंड स्कैम से बचाया, यहाँ तक कि लोगों का मूवी बंद किया, पर हमें कुछ नहीं मिला। मेरा भाई आईएएस है लेकिन आज जेल में सड़ रहा है। तुमने 5% कहा था लेकिन 5 रुपया भी नहीं दिया। क्या ये मेरे पास कौन सा रोकड़ा आ गया है? देख, 2 देशों के चक्कर में मैं भी यहाँ फंसा पड़ा हूँ। पिछले 2 महीनों से उन रुपयों को देखने के लिए तरस गया हूँ। पहले से ही इतनी टेंशन है और तू अपनी बीन बजा रहा है। जरा सोच के देख, उसने अपना मुंह खोल दिया तो। मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है। मगरमच्छ के जबड़ों को बंद करना आता है मुझे। हेलो, छोटा अभी तक कोमा से बाहर नहीं आया। डॉक्टर क्या झक मार रहा है? डॉक्टर का कहना है कि भाई को कभी भी होश आ सकता है। वो होश में नहीं आया तो अरबों डॉलर हाथ से निकल जाएंगे। साला कोमा में जाने से पहले कम से कम ये तो बता देता कि पैसे कहाँ छिपा रखे हैं। 8 महीने से मालिश करवा करवा के घिस गया। क्या कहा? मेरे भाई को हॉस्पिटल से किसी ने अगवा करने की कोशिश की? हाँ सर। कौन है वो? पता नहीं सर। वो जो भी है, यह काम उसने पैसों के लिए किया होगा। सर, भाई को अगर किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे तो अच्छा होगा। नो, उसे वहीं रहने दो। वो दोबारा वहां पर जरूर आएगा, और वो भी जल्दी। साइको पंडित ये जमा कला की देवी माँ सरस्वती बचा ले। गुरु घंटाल, इससे भी भेजा ठीक नहीं हुआ। अब तो तुम गए। डे नाइट केमिस्ट की तरह 24 घंटे से तुम्हें राग सुना रहा हूं। अब तो मुझे तुम पर ही राग और द्वेष आ रहा है। साइको सर, मैंने कुछ गलत कहा? राग मत दे, बजा। बाथरूम तो जाने दो, पहले कोई अच्छी धुन सुना। धुन के चक्कर में थोड़ी और देर हो गई ना, तो धुन कहीं और से बजेगी। तू तभी हल्का हो पाएगा जब ही मेरा साइको पारा नीचे आएगा। फुर्सत में सोचना पड़ता है, जल्दबाजी में संगीत नहीं बनता। जेट युग में यू नीड टू बी फास्ट मैन। ऐसे ऐसे अबे साले सरफिरे, तू मुझे सिखाएगा? कलाकार कुछ भी सह सकता है, लेकिन कला का अपमान नहीं सह सकता। आज के बाद मैं तुझे इस बंद कमरे में कभी नहीं सिखाऊंगा। मेरे डैडी ने न जाने कितने अमीर से अमीर खानदानों में मेरे लिए लड़के देखे, फिर भी हाँ नहीं कहा। Why? हाँ? तुम लोग खाने पीने में लगे हो, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं। ओए संजू, अबे इतनी अच्छी माल को क्यों सता रहा है तू? ओए माल का मतलब? अरे यार, इतनी अच्छी लड़की को क्यों सता रहा है तू? संजू क्यों इतना भाव खा रहा है? मैं इसे चाहता नहीं हूँ। लेकिन मैं तो चाहती हूँ ना। आकांक्षा, ये प्यार नहीं ईगो है। प्यार का दूसरा नाम ईगो ही तो है संजू बाबा। वाह वाह, क्या डायलॉग है। ओए चुप। तुम चाहे कितनी भी नफरत करो, मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। देख लेना, नाना करते कब प्यार हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। प्यार ऐसे ही होता है। तुम चाहे जो कहो, मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। दोस्त, तू मना करते रहे और वो मनाती रहेगी। सोच ले, तेरे सामने कोमल बैठी है। लफड़ाई खत्म। आकांक्षा, जाओ जाकर सलवार सूट पहन कर आओ। चुप कर, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दो पैक के बाद तुम्हें मुझ में और कोमल में कोई फर्क नहीं लगेगा। उससे ज्यादा पी लोगे तो नाम भी याद नहीं रहेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। टाइम वेस्ट मत करो, पीना शुरू करो। मैं कितना भी पी लूं ना, तुम अलग, कोमल अलग। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। दो पैक पी के अपने प्यार को साबित कर। नहीं, मेरा मूड नहीं है यार। मूड नहीं है? सुन रहे, गुरु का मूड जगाना, एक गाना बजा। यार, दुखती रख पर हाथ रख दिया ना। चल हो जाए। Chik chik chelam, chik chik chelam, chelam. Woo! Chik chik chelam, chelam, chik chik chelam, chik 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 ha. Chik 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 chelam, chik 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 ha ha. Chik chik chelam, chelam, chik chik chelam, chik chik ha. G-A-N-G, gang gang, bajao bang bang. Gang leader. Shankar Dada. मैं तो ये सब बस मस्ती के लिए कर रहा हूँ, गलत मत समझ बैठना। मेरी कोमल जैसी कोई भी नहीं है। ऐसा क्या? अब अचानक इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई? संजू, ये मत भूलो कि लड़के तो हमेशा लड़के ही होते हैं। मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? I like you. ओह, अब आए ना लाइन पे, लगता है ड्रिंक्स का सर शुरू हो गया है। क्या तुम मुझे रूम तक छोड़ दोगे? मुझे अकेले डर लगता है, इतना भी नहीं करोगे? तुम्हारा उस रूम से रिश्ता भी तो है। मुझे प्यार हो गया है, उसके बिना जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। धीरे धीरे उसने मेरे दिल में जगह बना ली है। अब मैं उसे अपने प्यार की गिरफ्त में ले लूंगी। कोमल, हाँ? कोमल। क्या कोमल कोमल लगा रखा है? आकांक्षा कहो, आकांक्षा। अगर मेरे मम्मी डैडी को पता चला कि तुम रात को यहाँ आए हो तो मेरी जान चली जाएगी। मम्मी डैडी, मैं आपको कल ही फोन करूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? ए, रो क्यों रही हो तुम? ये क्या शर्ट क्यों फटी है तुम्हारी? की कोशिश मत करो। रात को इतनी पीली थी कि जबरदस्ती मेरे कमरे में चले आए। नशे में मेरे साथ क्या क्या किया पता है तुम्हें? मैं लूट गई, बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। मेरा फायदा उठाया। ओह नो 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 नो। अब ज्यादा नौटंकी मत करो, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी। आकांक्षा, मुझे वाकई याद नहीं कल रात पीने के बाद मैंने क्या किया। मैंने तुम्हें कोमल समझा इसलिए ऐसा हुआ। I'm so sorry, I'm so sorry आकांक्षा। सॉरी बोलने से क्या मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? बिल्कुल करेक्ट। हाँ? कल रात मेरे हाथों जो गलती हो गई ना, उसे सुधारता हूँ। देखो अब हम वही गलती दोहराएंगे, लेकिन इस बार तुम्हारी मर्जी से। तो चलो मैं शुरू करूँ। आकांक्षा सोचो, रात को जो अनजाने में हुआ वही आप जानबूझकर करेंगे, ओके? चलो आकांक्षा, घबराती क्यों हो? अब तो हम दोनों एक्सपीरियंस भी है ना? कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कल रात कुछ नहीं हुआ। हाँ, जानता था लड़कियाँ नहीं सुधरेंगी। मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इमोशनल ब्लैकमेल करके लड़कों से कितनी बातें मनवाओगी? कभी किसी लड़के ने कहा है हाय मेरी इज्जत? अब मैं क्या करूँगा? इस सब नौटंकी से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। भेजे में बात घुसा लो, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। पागल लड़की। ए संजू, लड़कियों के आगे बड़ी बड़ी सल्तनतें झुक गईं, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक दूंगा कान के नीचे। फुल पैंट पहनो, ठंड लग जाएगी। हाँ, परम गुरु, तो कैसा लगा ना विद्यालय? तुम मुझे किस पाप की सजा देने यहाँ लाए हो? साइको बाबू यहाँ बीच में खांचा है, वहाँ से नीचे गिरा तो लोचा है। वो अच्छा, बिल्कुल। डर लग रहा है, डर के आगे जीत है। इलेक्ट्रिक डांडिया क्यों? अगर आज ठीक ना हुआ तो घुसा दूंगा। कोशिश करता हूँ। Go back, go back, go back साइमन। मैंने गो बैक कहा, जंप करने को नहीं कहा तुम्हें। तो पीछे क्यों नहीं जा रहे हो? हाँ? शॉक लगा दूंगा। गो बैक। चोटी से गिर जाऊंगा तो मेरी माला की एक भी गोटी नहीं बचेगी। अच्छा, गो बैक। गुरु आचार्य, एक राज की बात बताऊं? बताओ। मैं सुर अच्छा लगाते हो। मैं भरतनाट्यम का बहुत बड़ा फैन हूँ। संगीत के साथ नाच का भी शौक है। और आज आप मुझे 2-in-1 कोचिंग देंगे। मैं? हाँ, आप नाचो तो। नाचते नाचते पहाड़ से फिसल गया तो। डांस करता हूँ साइको। थकिता थकिता धीमी नाट्यम, थकिता थकिता धीमी लास्यम, नमक चमक सहजम, न तत् प्रकृति पादजम, नर्तन में शिव कवचम, नटराज पाद सुमरजम। धिर नाना धिर नाना धिर 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 नाद विनोदमु नाट्य विलासमु परम सुखमु परमु अभिनय वेदमु सभकनुवादमु सलुपु परम पदमु साले साले हटेले ये अब अपने गांव वालों को अपना नया अवतार दिखाओ ना। हे, कौन हो तुम? साइको एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। इलेक्ट्रिशियन हो जो शौक दे रहे हो? अब समझा। अरे तुम जैसे पागलों का इलाज म्यूजिक से नहीं होगा, शौक से होगा। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो लड़का इंडियन है। वो अब तक जिंदा तो नहीं है ना? नो सर। मुझे तो अब भी डाउट है। Listen carefully. There's a guy called Sanju Chauhan. अगर मास्क पहन लोगे तो पहचानूंगी नहीं। कहाँ जा रहे थे? आकांक्षा, मेरा पीछा मत करो। पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आकांक्षा, प्लीज शट योर माउथ। मैंने अपना नाम बदल लिया है, अब मेरा नाम कोमल है। अच्छा लगा ना? मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम यहाँ वहाँ देख रहे हो, हुआ क्या है? आकांक्षा, मेरा पीछा मत करना, यहीं रुकना। Is this the guy? Yes. मैं बात कर रही थी, तुम चले क्यों गए? हाँ? बेकार के सवाल मत करो। बेकार की बातें तुम कर रहे हो, वो भी मुझे इग्नोर करके। फिलहाल मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, चली जाओ। अरे जा कहाँ रहे हो? मैडम, what are you doing? हे, हथकड़ियाँ। क्या? अरे, what the? हम जो नहीं चाहते अक्सर वो हो जाता है, और इसी को शायद जिंदगी कहते हैं। तुमने कभी सोचा था कोमल तुम्हें छोड़ के चली जाएगी? हमारी मुलाकात होगी ऐसा सोचा था? कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें। प्रॉब्लम 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 किसे नहीं है प्रॉब्लम? तुम्हें अंदाजा है मैं कितना बड़ा रिस्क ले रही हूँ? सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी हूँ और मेरे डैडी मेरी सगाई किसी और से करवा चुके हैं। 4 महीनों के बाद मेरी शादी होने वाली है। मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ और तुम हो कि कुछ समझते ही नहीं हो। तुम्हारी सगाई हो चुकी है? हो चुकी है। पर किसके साथ? ऐवे ही कोई है। फिर भी तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी। पर क्यों? कितनी बार कहना पड़ेगा आई लव यू संजू? हमें हमेशा नदी के बहाव के साथ ही बहना चाहिए। इसके खिलाफ बहोगे तो तुम हार जाओगे। मैं सीरियस हूँ और तुम हंस रहे हो। Sir, this photo has come in fact. ये वही है, वही है, वही है। ये अभी तक मरा क्यों नहीं? हाँ? Sir, phone. Hello. Daddy, मैं आपकी लाडली हूँ ना? ये भी कोई पूछने की बात है बेटा? मैं कुछ मांगूंगी तो आप देंगे ना? बताओ बेटा, क्या चाहिए? Dad, मुझे संजू चाहिए। संजू चाहिए? तुम पागल हो गई हो? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? भूल गई तुम्हारे पापा क्या है? इसका अंजाम जानती हो आकांक्षा? डैड ने तो हाँ कह दिया है। कोई हाँ नहीं कहा। जब से तुमसे बात हुई है बस रो रहे हैं। 4 महीने बाद तुम्हारी शादी है और अब तुम मना कर रही हो। तो क्या किसी से भी शादी कर लूँ? हाँ, तुम्हारे हाँ कहने पर ही ये शादी तय हुई थी। तो अब मैं मना कर रही हूँ। अब अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे डैडी जीते जी मर जाएंगे। मॉम, उस वक्त मैंने डैड की वजह से हाँ कहा था और अब डैड को मेरा दिल रखने के लिए हाँ कहना होगा। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम कहोगी हमेशा वही होगा? हाँ, हमेशा वही होगा। और अगर आपने फोर्स किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। संजू, कोमल अभी भी जिंदा है। हाँ। क्या? हाँ। क्या कहा? मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये क्या कह रही हो? संजू मैंने उसे देखा है, वो रास्ता पार कर रही थी तभी मेरी अचानक से उस पर नजर पड़ी। आकांक्षा, कोमल कैसी दिखती थी तुम्हें नहीं पता, मुझे यकीन है तुमने किसी और को देखा होगा। यकीन करो वो कोमल ही थी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, कोमल अभी भी जिंदा है। जिस कोमल के लिए तुम पल पल मरते रहते हो वो कोमल अब भी जिंदा है संजू। अरे मैं तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुना रही हूँ और तुम भूत बने खड़े हो। नो नो नो, शौक लगाना, तुम्हारे मंगेतर ने मुझे यहाँ भेजा है। क्या कहा? मैं तुम्हारे मंगेतर की वजह से यहाँ आया हूँ। I thought your boss would be here. Bad luck. तुम्हारा मेरे मंगेतर से क्या लेना देना है? मैं अपनी जिंदगी का हर एक पल उसकी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। बस मेरे खेल का एक मोहरा हो। मैं मोहरा? तुम साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, मेरे बारे में सब जानती हो। तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम्हारे रूम में तुम्हें जो डायरी मिली थी वो भी मेरे खेल की एक चाल थी, ताकि तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओ। तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाया रहूं सिर्फ उसका काम तमाम हो गया। मेरे बारे में भूल जा, तू बस अपने बारे में सोच। तू कौन है बे? अगर कोमा में पड़े तेरे भाई को होश आ जाए ना तो उससे पूछ लेना, तू जान जाएगा तेरा पाला किससे पड़ा है। तेरी मंगेतर को मुझसे डीप लव हो गया है, सुहागरात मनाना चाहती है, वो भी शादी से पहले। संजू, शादी के लिए मैं हाँ कर दूं ना तो लड़की के साथ साथ पैसों पर भी मेरा हक होगा। तुमने मुझे इस्तेमाल किया? हाँ किया। क्यों? कोमल की मौत के बारे में मैंने तुमसे झूठ कहा, मैंने ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। हमारे माँ बाप हमारे शादी के ढेर सारे अरमान लेकर आए थे, कोमल की हालत उनसे देखी नहीं गई। Oh my God! देखा आपने? उन गुंडों के पाप की सजा मेरी मासूम बेटी भुगत रही है। शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊं? मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मिनिस्टर चौधरी को अच्छे से जानता हूं, उससे बात करता हूं। कहो जवान। सर, कुछ गुंडे समुद्र किनारे किसी का मर्डर कर रहे थे और मेरी होने वाली बहू कोमल ने उसका वीडियो गलती से उतार लिया। अब उन गुंडों ने कोमल पर जानलेवा हमला कर दिया, उसे अभी तक जान का खतरा है। आप कुछ कीजिए प्लीज। हाँ मैं देखता हूँ जवान। थैंक यू सर। फोन उठा। हे शंकर, उनके पास वो वीडियो है जिससे हम बर्बाद हो जाएंगे। जो करना है करो, लेकिन वो सबूत मिटाओ, खत्म करो सारे सबूत। अब सिर्फ मैं और कोमल जिंदा है, और अगर मैं जिंदा हूं तो वो भी सिर्फ उसकी वजह से। हमारे माँ बाप के उस कातिल को ढूंढने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिए। तुम्हारे बाप ने देश के साथ गद्दारी की है। उसने कितने अरबों रुपयों को इंडिया से बाहर भिजवाया ये तुम जानती तक नहीं हो। पैसों की खातिर वो तुम्हारी शादी उस शंकर से करवाएगा, यही उसका प्लान है। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसों के लिए मैं पूरा देश भी बेच दूंगा। अगर तुमने साथ दिया तो अपनी बेटी की शादी भी मैं तुमसे ही करवाऊंगा। और यही वजह है कि उसने जल्दबाजी में तुम्हारी सगाई भी करवाई थी। क्यों आई थी तुम यहाँ? प्यार की वजह से नहीं आकांक्षा, सिर्फ पैसों के लिए। सही कह रहा हूँ ना मैं? तुम्हारे बाप ने बिना किसी को बताए चुपचाप तुम्हारी सगाई पेरिस में करवा दी। मैं वहां भी आया था, लेकिन वो मुझसे बच गया। हर हफ्ते किसी नए देश में जाकर छुपता है। मैं चाहता था कि वो मेरे पास आए और इसीलिए मैंने तुम्हें टारगेट बनाया। मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं था और उस दिन ट्रेन में मुझे उसके आदमी से उसका नंबर मिला। उसे हमारी फोटोज फैक्स करके मैंने उसकी दुखती रख पर हाथ रख दिया। कहा था ना वो जिंदा है, कहा था ना मैंने। अब तुम्हारा मंगेतर सब छोड़कर तुम्हारे पीछे आएगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी दौलत के लिए। तो कोमल की डायरी भी नकली थी? वो डायरी बिल्कुल सच्ची है, उसमें लिखी कहानी भी, मेरा और कोमल का प्यार भी, और मेरा बदला भी। कोमल कहाँ है? Hi. What? ये है तुम्हारा होने वाला देवर, बेचारा सगाई में नहीं आ पाया। आज मिल लो। हेलो मैडम, ऐसे हेलो वेलो से कुछ नहीं होगा, बेचारा कोमा में है ना। मैं तुझे दिखाता हूँ। उठ बे, तेरी भाभी मिलने आई है। उठ साले। लातों के भूत बातों से नहीं मारते, इसका इलाज करता हूँ। तुम कर क्या रहे हो? पैसे कहाँ हैं? बोल ना कि फिर से इलाज करूँ तेरा। सांप सूंघ गया क्या? पैसे कहाँ हैं? ए, गौर से देख इसे। अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चुपचाप बता दे कि पैसे कहाँ रखे, वरना बिना टिकट सीधा ऊपर जाएगा। मरना है या जीना है? नहीं, मैं बता दूँ। Hey, this is संजू चौहान। मैं तेरी मंगेतर और तेरे भाई को लेकर जा रहा हूँ जहाँ पैसे रखे हैं। चाहते क्या? मेरा शिकार सिर्फ तू है। जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड ले आए आ जाना। तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। तू और मैं अकेले हैं। मैं जो चाहूँ तेरे साथ कर सकता हूँ। क्या कर सकता है तू? तेरा खून कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है? मार। Go and check. Open it up. सब्री से इंतजार था। आज इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे। खुद को समझता क्या है? क्या करेगा तू? मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। क्यों रहा है तू? हाँ, तूने मेरे परिवार के सारे कातलों को मेरे सामने खड़ा कर दिया है। आई लव यू। थैंक यू शंकर। तुम ही थे ना वो जिसने मेरे परिवार की हत्या की? बताओ तुम में से कौन कौन था? छोटे जल्दी बता पैसे कहाँ हैं? पैसा क्या फाड़ में पहले उसे खत्म करते हैं। लगाई मेरे साथ और रंग रलियां उसके साथ। मारना है तो उसे मारो, भाभी को क्यों मार रहे हो? काहे की भाभी? ये साली मुझे छोड़ के उसके प्यार में पागल हो रही थी। मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तुझे तो मैं संजू मार दो उन्हें। किसी को भी मत छोड़ना संजू। बता पैसे कहाँ हैं? चलो है छोटे, है मनी, जल्दी बता। अब कोई बात नहीं होगी। सुना तूने? मैं नहीं बताऊंगा पैसे कहाँ हैं। मैं इसको ठोक डालूंगा। अच्छा, बॉम्ब से डरा रही है मुझे? चलेगा, हम सब साथ साथ मरेंगे। संजू, मेरे मरने का काम मत करना। जाओ यहाँ से। Please save me. चल ऊपर आ जा। Thank you so much, man. Thank you. मैंने तेरी जिंदगी इसलिए बचाई है क्योंकि मैं खुद तुझे मारना चाहता हूं। चल अब बता, क्या बात करना चाहता था तू? बोल ना बे। मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। मुझे लगता था जैसे मैं साइकोलॉजी जानती हूँ, लेकिन ये तो मेरे बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ा। तुमने तो उल्टा मुझे ही उल्लू बना दिया, मेरे होने वाले पति को मार दिया, मेरे डैड को जेल भिजवा दिया। तुम्हारा काम तो हो गया, अब आराम से मछली पकड़ रहे हो। आकांक्षा, मैंने ये बदला लेने के लिए किया था, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं। लगता है जैसे तुमने मुझसे बदला लिया है। देखो, मैं भी एक लड़की हूँ, समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। इस बेकार के दिलासे का क्या करूँ? तुम दोनों अब क्या शादी कर लोगे? हाँ। ओह, तुम दोनों खुशी खुशी साथ रहोगे, लड़ाई झगड़ा करके अलग अलग नहीं हो जाओगे? ये सब क्यों पूछ रही हो तुम? मैंने कई लोगों को देखा है। देख लेना, तुम्हारी लव स्टोरी देखने वाली नहीं है। ये सब क्या बकवास लगा रखी है? आहा, अच्छा, तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, सेकंड पार्ट बाकी है, देखते रहना। वापस आएगी मतलब? अरे आती है तो आने दो, मेरे लिए अच्छा है ना, दो हीरोइन।